इस्लामपुर नाम के एक गांव में एक छोटे से घर में अनवर अपनी बीवी और अपनी बेटी फातिमा के साथ उसी घर में रहता था। रमज़ानुल मुबारक के दिन चल रहे थे। अनवर उसी गांव में रिक्शा चलाया करता था और रिक्शा चलाकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। एक दिन फातिमा अपनी अम्मी से बोली, अम्मी जान कल से मैं भी रोज़ा रखूँगी, आप मुझे शहरी में जगा दीजिएगा। फातिमा की बात सुनकर फातिमा की अम्मी बोली, नहीं बेटा फातिमा, अभी आप बहुत छोटी हो, आपसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं अम्मी जान, आप मुझे शहरी में कल जगा दीजिएगा, नहीं तो मैं बिगैर शहरी के रोज़ा रख लूँगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज तुम्हें शहरी में जगा दूँगी और तुम कल रोज़ा रख लेना। आखिर फातिमा की अम्मी फातिमा को शहरी में जगाने के लिए मान जाती है। देखते ही देखते शहरी का वक्त हो जाता है। अनवर और फातिमा और फातिमा की अम्मी सभी लोग शहरी करने लगते हैं। फातिमा की अम्मी फातिमा से बोली, चलो फातिमा बेटा, अब शहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी देर के बाद फजर की अजान भी हो जाएगी, जल्दी करो। लेकिन अम्मी मैंने तो सुना है शहरी का वक्त फजर की अजान तक होता है। नहीं बेटा फातिमा, शहरी का वक्त अजान होने तक नहीं होता है, शहरी का वक्त तो अजान से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हो जाता है। और अजान शहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए नहीं दी जाती है, अजान तो फजर की नमाज के लिए दी जाती है। देखते ही देखते अजान भी हो जाती है। फिर फातिमा अपनी अम्मी के साथ फजर की नमाज अदा करती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अनवर अपनी रिक्शा लेकर गांव में सवारी की तलाश में निकल जाता है। फातिमा अपनी अम्मी से बोली, अम्मी अम्मी मैं अपनी सहेली नाजिया के घर खेलने के लिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ नाजिया के घर, मगर ज़्यादा खेल कूद मत करना वरना तुम थक जाओगी। फिर फातिमा नाजिया के घर जाती है और नाजिया से बोलती है, नाजिया तुम्हें पता है आज मैंने रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा रखा है, तुमने रखा है? फातिमा की बात सुनकर नाजिया बोली, मैंने रोज़ा नहीं रखा है, मैंने अपनी अम्मी से कहा था शहरी में जगाने के लिए, मगर मेरी अम्मी ने मुझे नहीं जगाया, इसीलिए मैं आज रोज़ा नहीं हूँ। कोई बात नहीं नाजिया, तुम अगले साल रोज़ा रख लेना। अच्छा चलो नाजिया, अब मैं घर चलती हूँ, अम्मी ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा था। फिर फातिमा और फातिमा की अम्मी नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين। कुरान शरीफ की तिलावत करके फातिमा की अम्मी अफ्तारी की तैयारी करने लगती है। फातिमा भी खड़े होकर अपनी अम्मी को देख रही थी। फातिमा की अम्मी ने समोसे और भजिए और तरह तरह के पकवान बनाए थे। अनवर भी अपना काम करके अफ्तारी के वक्त घर वापस लौट आता है। वो सब अफ्तारी करने के लिए बैठ जाते हैं और अजान होने का इंतज़ार करने लगते हैं। वो लोग अफ्तारी की दुआ पढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में अजान की आवाज़ आती है और वो सब रोज़ा खोलने लगते हैं। और फिर वो सब खजूरें खाकर अपना रोज़ा खोलते हैं। इसी तरह से फातिमा का आज का पहला रोज़ा मुकम्मल हो गया था।